हेलो भाई, मैं अवंकित। पेट्रोल वाली गाड़ियों की कंपनी के सेल्स के बारे में तो हमने जान लिया जनवरी महीने का, लेकिन आज वाले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बजाज वाले बहुत ही तेज है भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी के सेल्स के बारे में जानेंगे जनवरी महीने का ही, साथ ही पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और कितना डिफरेंस आया है, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर गिरावट हुआ है, हर चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में। एकदम मजा भरपूर आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का भाई इतना डिमांड बढ़ चुका है ना, पूछो मत। जैसे देखो ना, आप ही जनवरी में 81,343 गाड़ियां बिकी है इलेक्ट्रिक है पूरे भारत भर में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 75,714 यूनिट का ही था, मतलब 5,629 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। दिन पर दिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सेल्स में इंप्रूवमेंट होते ही जा रहा है और कंपनी भी तो बहतेरो आते जा रही है दिन पर दिन। खैर, आओ 10 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी के बारे में जान लेते हैं। 10th नंबर पे आई है ओकिनावा, हमेशा की तरह। इसकी भाई जनवरी में 683 यूनिट बिकी है मात्र पूरे भारत भर में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 966 यूनिट का था, मतलब 283 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ओकिनावा की। इनका भाई बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, जब से गवर्नमेंट ने इनसे सब्सिडी छीना है ना, तब से इनका बहुत ही गंदा सेल हो रहा है। मेरे को याद है भाई, ये कंपनी 1 नंबर 2 नंबर पे आया करती थी, लेकिन आज देखो 10 पे बैठी हुई है। क्या होगा अब ओकिनावा का, भगवान ही जाने। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर पे आई है काइनेटिक एनर्जी। इस कंपनी का शायद ही आपने नाम सुना होगा, कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को ये लूना वाला वीडियो दिया था, उस वीडियो पे आप सभी ने भर भर के प्यार दिया है। काइनेटिक एनर्जी ने इस लूना को लॉन्च करा था भाई। खैर, काइनेटिक एनर्जी ने टोटल 820 गाड़ियों को बेचा है जनवरी के महीने में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 986 यूनिट का था, मतलब 166 गाड़ियां इनकी कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है भाई, अभी तक इन्होंने बाइक को लॉन्च नहीं करा इंडियन मार्केट में। बाकी 9th नंबर पे आई है जोय इलेक्ट्रिक, या फिर इसको वार्ड विजार्ड भी कह सकते हो, नाम यार अजीब अजीब सा रखते हैं यार ये लोग। जनवरी में इन्होंने 975 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में, जबकि दिसंबर में 1408 गाड़ियां बिकी थी इनकी, मतलब 433 गाड़ियां कम बिकी है इनकी भी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये कंपनी का शोरूम मैंने देखा है भाई, यहाँ पे तो नहीं है हमारे यहाँ बिहार ससरा में, लेकिन अंबिकापुर में था भाई, और इनका कुछ खास रोड पे उतना गाड़ी दिखता भी नहीं है, मैंने तो नहीं देखा भाई रोड पे चलती हुई इनकी गाड़ियों को, शोरूम में भले खड़े हुए देखा है। खैर, 7th नंबर पे आई है बिगोस, इसका भी शायद ही आपने नाम सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ बिहार ससरा में इस कंपनी की गाड़ी चलती है भाई, पता नहीं यार लोग बाग कहाँ से खरीद लेते हैं, शोरूम है नहीं भाई, फिर भी लोग बाग यार खरीद ले रहे हैं। खैर, जनवरी में इन्होंने 1485 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 1214 यूनिट का था, मतलब 271 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी 6th नंबर पे आई है हीरो मोटोकॉर्प, इनके पास तो एक ही प्रोडक्ट है भाई, वीडा के नाम से जो बिकता है, उसकी भाई 1487 यूनिट बिकी है जनवरी में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 1566 यूनिट का था, मतलब 79 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने मुकाबले इस महीने हीरो मोटोकॉर्प वीडा की। अक्टूबर महीने से ये लोग दिसंबर तक इतना ऑफर दिए ना वीडा पे, पूछो मत, लोग बस दबा के खरीदे, लेकिन जनवरी में ऑफर नहीं चला इसीलिए कम सेल हुआ है, और कुछ रीजन नहीं है भाई। वीडा बहुत ही अच्छा पैकेज है भाई, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से। खैर, 5th नंबर पे आई है ग्रेफ्स मोबिलिटी, या फिर इसको एम्पायर भी बोल सकते हो, इन्होंने 2351 गाड़ियों को बेचा है जनवरी के महीने में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 2975 यूनिट का था, मतलब 624 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ग्रेफ्स मोबिलिटी या फिर एम्पायर की। इनके पास इलेक्ट्रिक बाइक तो नहीं है भाई, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर ये लोग बहुत सारा बेचते हैं, हमारे यहाँ इनका भी शोरूम नहीं है। खैर, 4th नंबर पे आइए एथर एनर्जी, इन्होंने जनवरी में 9209 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 6485 यूनिट का था, मतलब 2724 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने एथर एनर्जी की। ये लोग हाल फिलहाल में ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाले हैं भाई, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो स्कूटर टीवीएस के आई क्यूब से कॉम्पिटिट करेगी, टीवीएस वालों का जीना हराम कर देगी वो गाड़ी। बात करें अगली कंपनी की, तो 3rd नंबर पे आइए बजाज, ये लोग यार दिन पर दिन इतना बेच रहे हैं ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, पूछो मत। जनवरी में देखो ना 10,742 गाड़ियों को बेचा इन्होंने, जबकि इनके पास एक ही प्रोडक्ट है भाई चेतक, और वो इतना बिकी है, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 9,969 यूनिट का था, मतलब 773 गाड़ियां ज्यादा बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने चेतक की। 773 यूनिट कुछ होता है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी का? बजाज ने बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया चेतक को अपडेट करके। आपको चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैंने इसको आज तक रियल लाइफ में नहीं देखा भाई, क्योंकि ना हमारे यहाँ शोरूम है और ना अंबिकापुर में शोरूम था भाई, कभी मौका मिला तो आप सभी के लिए रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जरूर। बाकी 2nd नंबर पे आई हमेशा की तरह टीवीएस, इनके पास भी एक ही प्रोडक्ट है भाई जो आई क्यूब के नाम से बिकती है, इन्होंने 15,181 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में जनवरी के महीने में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 12,057 यूनिट का था, मतलब 3124 गाड़ियां इन्होंने ज्यादा बेचा है पिछले महीने के मुकाबले
मुकाबले इस महीने। टीवीएस वाले तो छुपा है उस सब निकले भाई, मैं देख रहा हूँ इनका दो तीन महीने से सेल्स गिरावट में जा रहा था, लेकिन एकदम जनवरी में बूम हो चुका है। 3124 यूनिट ज़्यादा बेचा है इन्होंने, बहुत बड़ी बात है भाई। इनकी आई क्यूब 1.5 लाख की आती है एक शोरूम बेस वेरिएंट के साथ है। मतलब इंडिया में अमीरों का कमी नहीं है भाई, बताओ उतनी महंगी गाड़ी फिर भी लोग बस दबा के खरीद रहे हैं। चलो अच्छा है, भगवान करे ऐसे ही दबा के बिकती रहे गाड़ी। बाकी नंबर वन पे आई है हमेशा की तरह ओला इलेक्ट्रिक, इन्होंने भाई 32160 गाड़ियों को बेचा है जनवरी के महीने में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 30219 यूनिट का था। मतलब 1941 गाड़ियां इन्होंने ज्यादा बेचा है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओला वाले भाई समझ चुके हैं मार्केट को, तभी ये लोग इतना ऑफर दे रहे हैं ना अपनी गाड़ियों पे, इतना ऑफर दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर मॉडल पे इन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया वैलेंटाइन डे पे, तभी तो यार ये लोग इतना ज्यादा सेल्स अचीव कर ले रहे हैं। और हाल फिलहाल में इन्होंने एक सस्ती इलेक्ट्रिक को भी लॉन्च करा था जिसका नाम शायद से S1X था, मैं सही भी हो सकता हूँ या फिर गलत भी हो सकता हूँ, उसका नाम आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगती है भाई मेरे को, बहुत ही ज्यादा। लेकिन सर्विस वगैरह का ही थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई ओला में, हालांकि मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं करा है लेकिन बहुत सारा वीडियो देखा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने ओला का सर्विस एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यही है वो 10 कंपनी जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बेचा है जनवरी के महीने में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय हिंद सभी को।